हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको पता है 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। अभी मैं 4 करा रहा हूँ, फिर मैं आपको 4 कराता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। करना क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। जैसा कि अभी हमने आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, वही सेम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, बस पार्ट्स थोड़े से ज़्यादा दे दिए। चलिए जी शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो सिंपली अप्लाई कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर 2ab लिखते हो तो 2ab लिख लो, डजेंट मैटर। एंड देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2x प्लस 6। इज दैट क्लियर? इनको इधर लेकर आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट, क्या बच्चा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 5। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है भाई। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, बस अब हमें बाकी से लेना देना नहीं है। ठीक है, सो द आंसर इज यस। चलिए ये वाला देखते हैं। मैंने सही लिखा है इसको? हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है। चलिए देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट प्लस 2x। ठीक है, इनको इधर लेकर आ जाओ, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2x, एंड यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है भाई, अरे रे 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 रे। चलो जी अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं भाई, देखो यहाँ तो आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 6। ठीक है भाई, तो अब आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये भी क्या है भाई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई देख लो, कट तो नहीं रहा आपका आंसर? हाँ जी नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखो इधर, चलो इसकी बात करते हैं। इसमें क्या हो सकता है भाई, हो तो कुछ नहीं सकता भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इधर, अब आप क्या कीजिए, पहले इसको बच्चों की तरह या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो पहले चलो बच्चों की तरह करा देता हूँ भाई। देखो इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट x प्लस 1। अब देखिए इस x से पहले आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस का 2x माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस का 3। अब अगर आप सही से देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? और कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर सब कुछ इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, वैसे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको सही से अरेंज करके, चलो लिख देता हूँ भाई, नाराज़ मत हो, इसको इधर लेकर आ जाओ। देखो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 2x इधर लेकर आओगे तो माइनस 2x। ठीक है, और ये प्लस का 3। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। देखो इधर यह माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 और प्लस का 1, तो माइनस 3x, और इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, सिंस यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा तरीके से लिख लेना, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलो जी अब देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करना है भाई, पहले x से, अब मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, अभी आपने देख लिया कैसे मल्टीप्लाई किया, अब मैं डायरेक्टली कराऊंगा। कैसे करोगे, देखो x को पहले फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 2x स्क्वायर, x को सेकेंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट x। ठीक है, अब सेकेंड वाली नंबर, तो माइनस 3 से पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6x, फिर इसको भी सेकेंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनस 3। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है भाई, कुछ कट वट रहा है, ठीक है, तो भाई 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट माइनस 5x, यू विल गेट 3 हियर, इसको इधर लेकर आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इसमें से देखो 1x माइनस करोगे 1x स्क्वायर यू विल गेट एक्स स्क्वायर, इसको और इसको करेंगे यू विल गेट 10x, और तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ये बेटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर। सो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये नोट कीजिए,
देखते हैं अपने नेक्स्ट फोर पार्ट्स। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस का हेर फेर हो गया भाई, यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं अब करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर यहाँ पे माइनस है तो माइनस सिक्स आ जाएगा, ये माइनस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे विल गेट माई प्लस का सेवन है, ठीक है। तो ये है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी, अगर देखो ज़रूरी तो नहीं हमेशा माइनस आएगा, हो सकता है प्लस हो, तो प्लस हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको कराया था, ठीक है। क्वेश्चन उतारने में थोड़ी सी गलती हो गई, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट्स। जैसे कि बेटा आप देखें फिफ्थ पार्ट ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टू एक्स स्क्वायर, फिर इसको सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6x। फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे यू विल गेट माइनस x, इसको इससे करेंगे प्लस 5x माइनस का 5, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब इन सबको आप इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो देखो पहले इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस 7x प्लस 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट प्लस 4। तो देखिए ये प्लस में इस तरफ जाकर माइनस, ये प्लस 4 बचा है, इधर जाकर माइनस 4x और ये माइनस का 5, इधर आकर प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर में से अगर आप 1x स्क्वायर माइनस करेंगे यू विल गेट 1x स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसीलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है। अब देखो इधर इसको और इसको देखिए, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 11x, ठीक है। और इसको देखेंगे यू विल गेट 8, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा। सो आंसर इज यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस पर, क्या करेंगे भाई, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है वही जो अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब के 4। देखो ए स्क्वायर 2ab 4x एंड b का स्क्वायर विच इज 4, ठीक है। अब देखिए इधर इससे ये कट गया, ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 3x इसको इधर लेकर आओगे प्लस 4x, चलो 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 ऐसे देखो 3x प्लस 1, ये माइनस में इधर जाकर प्लस 4x माइनस 4x, सॉल्व करेंगे यू विल गेट 7x एंड माइनस 3 विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग, और वही तो मेन है ना, वो तो बैकबोन है। चलो जी आ जाओ इस पर, फिर से वही आइडेंटिटी आ गई a प्लस बी के होल के ऊपर। देखो आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको हर चैप्टर में इनका यूज़ कहीं ना कहीं पर मिल ही जाएगा। तो देखिए क्या होती है भाई आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab, ठीक है, बिल्कुल वही आइडेंटिटी है जो भी यूज़ की थी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए इधर वैसे क्लियरली पता चल रहा है कि देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, ये नहीं है, बट स्टिल चलो थोड़ा सा रीअरेंज करके देख लेते हैं। यू विल गेट 3 2 कितना होता है 6 एंड 6x स्क्वायर। अब देखिए 2 3 6, 6 2 12, देखिए ये क्या है प्लस में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस, और ये माइनस का था इधर आकर प्लस, ठीक है भाई। चलो अब देखो इधर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब प्लस, इसको किसी से कर सकते हैं और तो कुछ है ही नहीं भाई, 6x स्क्वायर। देखो एक चीज़ याद रखना, जिनकी पावर सेम होती है ना उन्हीं के कोफिशियंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कुछ दिख नहीं रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 6x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पर कितना आ जाएगा 14x और फिर क्या बचा आपका 8, ठीक है भाई। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या आ रही है 3 एंड वो होती है क्यूबिक इक्वेशन। चलो जी इस पर आ जाओ, देखो इधर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1,
यहाँ पर बेटा आइडेंटिटी लगेगी, यही आइडेंटिटी लगेगी, बट अब क्या आ जाएगा बीच में माइनस, कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर 2 आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब, फिर क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 3, 2 जा कितना आ जाएगा 2ab, फिर क्या आ जाएगा भाई a, क्योंकि माइनस का है तो माइनस, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो इधर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, इसको देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 था भाई, 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा 8, माइनस का 8। अच्छा ये माइनस का 8 है, इधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है। तो इसको करोगे देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 6 टू जो 12x प्लस का, ठीक है। अब सब कुछ इधर लेकर आ जाओ, तो देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज, देखो ये माइनस का इधर जाकर प्लस, ये माइनस का इधर आकर प्लस, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, जब इक्वल्स के इधर लेकर आते हो तब साइन चेंज हो जाते हैं, इतना तो खैर आपको ऑलरेडी पता होगा। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो 2x स्क्वायर, एक्स और, अरे अरे क्या हो रहा है, एक्स और एक्स वाली टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट, और जो नॉर्मल नंबर्स हैं वो इसमें, अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, हर एक पार्ट कराया है, कोई भी कंजूसी नहीं की है, ठीक है, ये नोट करो। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब कि जितनी भी सिचुएशंस दी हुई हैं उनको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़िए आप जल्दी से, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हालांकि अभी हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालनी क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है, बस आपको क्या करना है, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखते हैं, मान लीजिए बेटा एक कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, मान लीजिए कि भाई लेंथ है एक्स मीटर्स, तो सॉरी ब्रेथ है एक्स मीटर्स, तो लेंथ कितनी है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जितनी भी इसकी ब्रेथ है उसके ट्वाइस से 1 मोर, ठीक है। नाउ अब देखिए इधर उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर्स, ठीक है, मीटर्स, एंड लेंथ बी कितनी 2x प्लस 1 मीटर। नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है बेटा, उन्होंने दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए इधर लेंथ कितनी दी हुई है, देखिए 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ इज x। अब देखिए इसको इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x, और ये प्लस में इधर जाकर कितना आ जाएगा माइनस, बस हो गया। इसको उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि हमने कर दिया है। सॉल्यूशन हम आगे एक्सरसाइजेस में सीखेंगे, उसके बाद ना आप इजीली ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स। तो देखिए पहले हम एक चीज़ समझते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या मतलब है भाई, जैसे 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 के जस्ट बाद कौन सा आता है 3, तो ये दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 12 का हो जाएगा 13, 12 एंड 13 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 17 एंड 18 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स।
तो अगर आप इन दोनों में फोकस करें तो आपको नेक्स्ट नंबर कैसे मिलता है, अगर आप प्रीवियस नंबर में वन ऐड कर दें देन यू विल गेट द नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये एक्स होता तो दूसरा नंबर क्या होता भाई, एक्स प्लस वन। बस यही हमें करना है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, या फिर फर्स्ट इंटीजर भी लिख सकते हैं, एंड सेकेंड नंबर बी एक्स प्लस वन। इतनी बात समझ में आ गई। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, उन्होंने बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया हुआ है 306 है, हाँ जी। प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस में इधर जाकर माइनस, दैट्स इट। उन्होंने हमसे क्या बोला था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर कीजिए, जो कि हमने कर दिया है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, आइए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। पढ़िए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मान लीजिए रोहन की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, ठीक है, तो इसकी मदर की कितनी होंगी, देखिए रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं वो, तो आप क्या कीजिए, एक्स में 26 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, नाउ अब उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 3 years, क्या आफ्टर 3 years, 3 years के बाद क्या होगा भाई, मान लीजिए कि अभी आपकी एज है 15 years, तो आज से 3 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी, आप 15 में 3 और ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 18, इज दैट क्लियर। तो 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन्स एज क्या हो जाएगी, रोहन्स एज विल बी कितनी, प्रेजेंट एज में आप क्या कीजिए 3 और ऐड कर दीजिए, यू विल गेट एज आफ्टर 3 years। ठीक है, नाउ अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा होगा कि रोहन की एज ही बढ़ेगी और मम्मी जवान की जवानी रहेंगी, भाई मम्मी की एज भी तो बढ़ेगी, है ना, तो इसका मतलब ये है कि हिज मदर्स एज कितनी होगी भाई, मदर्स एज विल बी कितनी भाई, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स प्लस 26, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 26 में ऐड करेंगे क्या 3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 29 years। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, इज वॉट 360, मतलब कि आज से 3 साल के बाद जो इनकी एजेस हैं उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी, 360। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 29x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 9 3 जा कितना होता है 27, 2 क्या आ जाएगा कैरी, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 87। ठीक है, अब देखिए ये इधर प्लस में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस, अब देखिए इधर यहाँ पर क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट व्हाट 32x, एंड नाउ इन दोनों को आप माइनस कीजिए, माइनस करेंगे यू विल गेट 3 एंड 15 माइनस दिस 7 एंड 2, तो ये आ गई आपकी सिचुएशन व्हाट मैथमेटिकली। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते अपना फोर्थ एंड विच इज़ दी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज। तो आइए देखते अपना लास्ट पार्ट, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए दो चीज़ें आपको दी हुई हैं, एक तो आपको उन्होंने दे दिया है डिस्टेंस,
ठीक है। तो पहली चीज़ आपको मिल गई है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर ये दिया हुआ है। हाँ जी, और इसके बाद हमें भाई स्पीड तो पता नहीं है, तो लेट करेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आर। जो स्पीड हमें नहीं पता है उसको हमने क्या लेट कर लिया है, एक्स आर्स, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आर। अब एक बात बताइए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन से, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस ओवर टाइम, यही पढ़ा है। और अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम को इधर ले आइए और स्पीड को इधर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस ये टाइम जो है वो टी वन है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 480 एंड स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा कब, जब कार अपनी नेचुरल स्पीड से ट्रैवल करेगी तब, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि अगर इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आर कम कर दिया जाए, भाई पहले डिस्टेंस कितना था 480, अभी भी 480 है, लेकिन स्पीड वो क्या कह रहे हैं 8 किलोमीटर पर आर कम कर दीजिए, जितनी पहले स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आर कम कर दीजिए, तब इसको क्या करेंगे 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। एक्स्ट्रा कितना, जितना टाइम पहले लग रहा था ना उससे 3 आवर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मान लीजिए पहले लग रहे थे T1 टाइम, तो अब कितना लगेगा T1 प्लस 3। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, भाई T1 की वैल्यू कितनी है 480 माइनस डिवाइडेड बाय दिस एंड यू विल गेट व्हाट 3 हियर, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब इसको इधर ले आइए, पहले 480 एक्स माइनस 8, ये प्लस में इस तरफ जाकर, मतलब कि एक्स एक्स वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ कर लिया। अब आप एलसीएम लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 480x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 480x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 480x माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 88 ज़ा कितना होता है 64 एंड 84 ज़ा कितना 32, 32 प्लस दिस 38, हाँ जी। तो अब आप देखिए ज़रा सही से, ये प्लस का 480 और ये माइनस का 480 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप ये नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करके यहाँ से दोबारा से करना शुरू कर देता हूँ, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए इधर, यहाँ पर बेटा क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास बचा है 384 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 8 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब आप क्या कीजिए, इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 384 इज इक्वल्स टू व्हाट 3 एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो सकता है क्योंकि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब बात आती है मुझे कैसे पता चला, अभी बताता हूँ। देखो ये तो यहाँ चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 8x। देखो इन सबको ऐड करो भाई, डिविजिबिलिटी रूल्स तो पढ़े होंगे ना, 3, 6, 4, 9 के हमने पढ़े हुए हैं, तो इन सबको ऐड करोगे कितना आ रहा भाई 12 प्लस 3 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए, तो 3 वन ज़ा तो हो गया 3, 3 टू ज़ा 6 एंड 3 एट ज़ा 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 128 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखिए ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 0,
तो अब आप चाहो तो यहाँ पे ज़ीरो लिखो और इसको उधर लेकर जाओ, या फिर ज़ीरो को मतलब ज़ीरो इस तरफ देखो, इसको उधर लेकर जाओगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको घुमा के लिख दिया, ज़ीरो उस तरफ लिख दिया, बात एक ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही बेटा आपकी लास्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।